गंगा वर्सेस मंगा। सास की दी हुई मैजिक वॉच की वजह से मंगा को जो तकलीफ हुई थी वो याद है ना? अगर नहीं तो अभी लिंक पे क्लिक करें और देखें। लालची बहू जादुई मथनी। एक दिन मंगा एक बड़े से घड़े में मक्खन बना रही थी, घुमा घुमा कर थक गई थी। ये क्या, जितना भी फेटू छांस से मक्खन नहीं निकल रहा। सासू माँ के आने से पहले उस घड़े से भी तो मक्खन निकालना है। कहकर उस तरफ देखा तो चार और घड़े रखे थे। तभी आई गंगा ने उन्हें देखा। ये क्या लड़की, अभी तक एक भी नहीं हुआ। मेरे बाहर जाते समय जिस घड़े पर थी अभी भी उसी पर हो। हमारे जमाने में अपनी सास के जबान से निकलते ही 10 घड़े मक्खन निकाल देती थी, आजकल की बहू का कुछ पता नहीं। कहकर अंदर चली गई। बेचारी मंगा बहुत मुश्किल से दोपहर तक 3 घड़े मक्खन बना चुकी थी। हाय हाय, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। ओहो, मेरी कमर टूट गई भगवान। कहकर जब वो अपने पैर पकड़ रही थी तो गंगा को दया आई। कहकर अंदर गई और अपनी पुरानी पेटी से एक मथनी लाई और मंगा को दिया। ये मैजिक मथनी है, इससे एक बार छांक चलाई तो यूं माखन निकलेगा। ये क्या है, इससे तो मैं अपनी मथनी से माखन निकाल लूं। देखने में ऐसी ही लगती है पर काम दौड़ते घोड़े की तरह करती है। कहते हुए मंगा ने उस मथनी को घड़े में घुमाया। कहते ही मंगा ने मथनी चलाना शुरू किया और घड़ा भर माखन निकल गया। देखा, हाँ, बन रहा है। कहकर उसने आश्चर्य से देखा। पहले ही दे देती, अब इस मथनी का क्या काम। कहकर अपने हाथ की मथनी लेकर तोड़ दी और मैजिक मथनी को चूमने लगी। अब देख कैसे इस्तेमाल करती हूँ तुझे। दूसरे दिन से मंगा ने उस मैजिक मथनी से माखन बनाना शुरू किया। इस तरह बनाते बनाते मंगा को एक आइडिया आया। मैं अपनी होशियारी से गांव की सारी औरतों से छाछ खरीद कर माखन बनाकर वापस उनको घी बेचूंगी, खूब सारा पैसा कमाऊंगी। उसने सोचा। सोचते ही गांव से सारा छाछ खरीदा और माखन निकाला और घी बनाकर बेचने लगी। कम पैसों में छाछ खरीद कर ज्यादा पैसों का घी बेचने से उसे बहुत फायदा होने लगा। दिन गुजरते गए और पैसा कमाने की लालच मंगा में बढ़ती गई। जितना भी घुमाओ 10 घड़े माखन से ज्यादा बन ही नहीं रहा। इसे एक मशीन जोड़ दूं तो सारा दिन चला सकती हूँ और बहुत सारा माखन निकालूंगी। उसने ऑनलाइन एक मशीन मंगा ली और मथनी को मशीन से जोड़ दिया और पहले से ज्यादा माखन निकाल कर ज्यादा पैसे कमाने लगी। ये क्या, इसमें संतुष्टि नहीं है, भागने के बाद दूध पीता भी है कोई इंसान। मंगा ने अपनी सास की बात को अनसुना कर दिया। ये तो ऐसी ही बोलती रहती है, घर उजाला रहते ही सवार लेना चाहिए। कहकर उसने फिर एक बार अपनी सास की बात को अनसुना कर दिया। एक दिन अचानक से वोल्टेज ज्यादा होने के कारण एक जोर की आवाज आई और मशीन जल गई। उस मशीन के साथ मथनी भी टूट गई। ये देखकर मंगा डर गई। हाय, मेरी मशीन। हाय, अगर वो मैजिक मथनी होती तो कम से कम घर का काम तो आसान हो जाता। अब तो ना मेरी मथनी है ना मेरी मशीन, सब चला गया, मेरी जिंदगी ही खराब है। वह ऐसा कह ही रही थी कि गंगा ने 2 और घड़े छांछ लाकर उसके सामने रखा।
सुनो बहू, मैं बाहर जा रही हूँ, जब तक मैं वापस आऊँ ये माखन निकाल देना। अगर नहीं किया तो घर में जो मिक्सी है ना उसे भी निकाल दूंगी और तुम्हें सिल बट्टे में सब पीसना पड़ेगा, समझी? कहकर वह बाहर चली गई। मुझसे इतनी मेहनत करवा रही हो सासू माँ, मैं तो तुम्हें बाद में देख लूंगी। मन ही मन में मंगा ने सोचा। मंगा सब्जी खरीदने बाजार जाती है। वहाँ दुकानदार जब उसे देखते हैं, आ गई महारानी, यह खरीदती कम गड़बड़ ज्यादा करती है बाबा। हाँ भाई, पता नहीं ये इतनी लालची कहाँ से हो गई। इस तरह से वो लोग बातें कर रहे थे तो वहाँ खड़े चार लोगों ने इनकी बातें सुन ली। उन लोगों की बातों से पता चल जाता है कि मंगा कितनी ज्यादा लालची है। उन चारों में एक आदमी बोलता है, अबे सुना तुमने, बड़ी लालची है ये। हाँ हाँ सुना सुना, जितनी ज्यादा लालची होगी उतनी ही आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। ये लालची लोग ये देखते हैं कि उन्हें पैसे मिल रहे हैं या नहीं, इससे आगे कुछ नहीं सोचते। तुम जो भी बोलो उस पर विश्वास कर लेते हैं। फिर देर किस बात की, अच्छा बकरा मिल गया है हमें, चलकर मौके का फायदा उठाते हैं। ऐसा सोचकर बस सब लोग मिलकर एक गाय को मंगा के पास ले जाते हैं। बहन जी नमस्ते, मेरा नाम सूरज है, ये सब मेरे भाई हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बहन जी। इस तरह सब लोग उसको प्रणाम करकर उसका गुणगान करने लगते हैं। अरे क्या खूबसूरत हो आप, एकदम सिनेमा हीरोइन श्रीदेवी की तरह दिख रहे हो, कहकर उसका गुणगान करते हैं। अभी उसके बगल में खड़ा हुआ दूसरा आदमी इस तरह बोलता है, अरे आप तो बिना कांटों की ट्यूना मछली लगती हैं। वही वही, बिना कांटों की गुलाब की फूल हैं। ये बातें सुनकर मंगा बड़ी खुश हो जाती है और बोलती है, बहुत तारीफ कर लिया आप लोगों ने, अभी बताइए कि आपको मुझसे कौन सा काम है। तब उनमें से एक आदमी बोलता है, अरे कुछ नहीं बहन जी, हमारे पास लस्सी देने वाली गाय है, हम इसका लस्सी निकालकर बेचते रहते हैं। ये सुनकर मंगा आश्चर्यचकित हो जाती है और लोगों से कहती है, क्या कहा आपने, लस्सी देने वाली गाय? कहीं गाय भी कभी लस्सी देती है भला? सारे गाय नहीं देती बहन, हमारी गाय मैजिकल गाय है इसलिए देती है। अगर चाहो तो तुम्हारे सामने ही गाय से लस्सी निकाल कर पिलाता हूँ। अब तुम्हारी बातों को मैं क्यों टाल दूँ, चलो एक गिलास लस्सी पिला दो। उनमें से एक आदमी एक मटके में गाय का दूध दोहता रहता है। मंगा बड़े ध्यान से उस मटके की तरफ ही देख रही है। मंगा का किसी भी तरह ध्यान बटाने के लिए उनमें से एक आदमी उसे दूसरी तरफ दिखाते हुए कहता है, अरे अरे वो क्या, इतना बड़ा क्यों है, अरे वो क्या कोई फ्लाइट है? ये सुनकर मंगा तुरंत दूसरी तरफ मुड़कर आसमान में देखने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर दूध दुहने वाला आदमी दूध की मटकी हटाकर लस्सी की मटकी वहां रख देता है। तुरंत वह आदमी इस तरह कहता है, अरे कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक पंछी थी पगले, वो कहता है। मंगा के नजर हटने से पहले उनमें से एक आदमी लस्सी को मटके से निकालकर एक ग्लास में डाल देता है। उस लस्सी को पीने के बाद मंगा बोलती है, अरे वाह ये लस्सी तो बड़ी मीठी है, सचमुच ये लस्सी देने वाली गाय ही है। हाँ बहन एकदम मीठी है ना, इसीलिए बाजार में इसका दाम बहुत ज्यादा रहता है। इस लस्सी को बेचकर ही हमने गांव में जमीन भी खरीदी है। ये सुनकर मंगा मन ही मन सोचने लगती है, अरे वाह ये धंधा तो बड़ा बढ़िया है, अगर मैं इस गाय को खरीद लूं तो इसकी लस्सी को बढ़िया से बेचकर खूब पैसे कमा सकती हूँ। ऐसा मन में सोचकर उन लोगों से कहती है, ओ भाई लोग, आप लोग मुझे बहन बहन बोल रहे हो ना, उसी हक से पूछ रहे हूँ,
इस गाय को मुझे बेच दीजिए। ये बात सुनकर वो चार आदमी प्लान सक्सेस करके एक दूसरे को इशारा करते हैं। वे मंगा से इस तरह बोलते हैं, ठीक है बहन, तुम्हारे लिए हम इसे बेच देते हैं। ऐसा बोलकर उस गाय को एक साधारण गाय से चार गुने ज्यादा पैसे लेकर मंगा को बेच देते हैं। मंगा बड़ी खुशी खुशी उस गाय को अपने घर ले जाती है। अगले दिन सुबह सुबह वो अपने सारे पड़ोसियों को जगाकर अपने घर लस्सी पीने के लिए बुलाती है। सब लोगों से पहले ही पैसे ले लेती है। गाय से दुहे हुए दूध को लस्सी समझकर सब लोगों को ग्लास में डालकर दे देती है। उसे पीकर सब लोग गुस्से से इस तरह बोलने लगते हैं, अरे ये सब क्या हो रहा है, तुमने तो कहा था लस्सी है लेकिन यह तो केवल दूध ही है दूध। क्या कहीं तुम हम लोगों को धोखा तो नहीं देने वाली थी। इस तरह डांटकर सब लोग मंगा को दिए हुए पैसे वापस लेकर चले जाते हैं। उसके साथ हुए धोखे को समझने के बाद मंगा रोते हुए बैठ जाती है। ये सब चुपचाप देख रही गंगा, क्या हुआ लड़की, इस तरह क्यों रो रही है। मंगा ने सारी बात गंगा को बताई। ये तेरे लिए कोई नई बात तो नहीं है ना, तेरे साथ ना जाने कितने बार ऐसा हो चुका है। लोग तुझे बेवकूफ बनाते हैं और मैं आकर तुझे बचाती हूँ, बस अब यही काम रह गया है मेरा। अपने लालच की वजह से ही आज तू इस तरह ठग ली गई है, इसीलिए मैं तुझे इस लालच को कम करने के लिए कहती हूँ और तू है कि मेरी बात ही नहीं मानती। ये सुनकर गंगा रोते हुए बोलती है, प्लीज सासू माँ ऐसा मत बोलिए, मरे हुए आदमी को और कितना मारोगे आप, आप ही मुझे इस मुश्किल से बचा सकती हैं। किसी भी तरह उन धोखेबाजों को सजा दिलवानी है, प्लीज सासू माँ। ठीक है अब रोना बंद कर, और कर भी क्या सकते हैं। ऐसा बोलकर गंगा कुछ जादू करके उन चारों धोखेबाजों को पकड़कर एक पेड़ पर उल्टा लटका देती है। अरे ये क्या यार, यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग तो बड़े आराम से अपने घर पर चिकन और मटन खा रहे थे, हम लोग यहाँ कैसे पहुँच गए। इस तरह वे लोग डर के मारे इधर उधर देख रहे थे, तो गंगा ने उनसे कहा, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरी ही बहू को ठग लोगे तुम लोग। ये सुनकर वो लोग बहुत डर के मारे बोले, बहन हमें छोड़ दीजिए बहन, आपकी बहू के लालच के बारे में जानकर ही हमने ये सब प्लान किया था बहन, हम ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे, हम लोगों को यहाँ से जाने दीजिए। चाहे तो आप हमारे सारे पैसे और इस गाय को भी ले जाइए, प्लीज बहन हमें छोड़ दीजिए। ऐसा बोलकर वो चारों धोखेबाज सारे पैसे मंगा को देकर वहाँ से भाग जाते हैं। आज सासू माँ थी इसलिए मैं बच गई, मेरे लालच के बारे में जानकर अगर कोई उल्लू बनाना चाहे तो मुझे आगे से सावधान रहना होगा। बाप रे बाप, मंगा को बात समझ में आ गई।